डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस की पावन बेला को स्मरण कर ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन दुर्ग संभाग द्वारा 40 शिक्षकों का सम्मान समारोह पूर्वक किया गया। प्रारंभ में कुरान शरीफ की तिलावत की गई, साथ ही अन्य आयोजन किए गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाते हुए और उन्हें स्मरण कर ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन दुर्ग संभाग के द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया। 40 शिक्षकों का सम्मान समारोह पूर्वक यहां पर किया गया। प्रारंभ में कुरान शरीफ की तिलावत मोहम्मद सलीमुद्दीन खान शिक्षक इंदिरा नगर चरोदा व नाते रसूल हाफिज मोहम्मद इसराइल ने प्रस्तुत कर वातावरण को सुरमई बनाया। कार्यक्रम के मकसद पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्र के 40 शिक्षकों परवेज अहमद, तनवीर अहमद, इरशाद आलम, अजमतुल्ला खान, मोहम्मद अबू जफर, शेख जफर, राम कुमार वर्मा, यास्मीन कौसर, राजेश कुमार बंजारे, हाजी हाफिज, गुलाम नबी, रायन कुमारी, जमील अहमद, विनीता उइके, करीमुल्ला शाइस्ता, सत्यनारायण पात्रो, रजिया बेगम, हाफिज अकील, हाफिज नसीम, रजा मोहम्मद, शाबिर, जुनैद अली, मोहम्मद आरिफ, हुजिया शबा, तरन आदि का श्रीफल, शॉल, कलम, सम्मान पत्र और मिष्ठान भेंट कर सम्मान किया गया। शिक्षकों के अनुभव की कड़ी में मास्टर अजमतुल्ला ने अपने द्वारा असहाय बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक व शैक्षिक सहायता करने की जानकारी सबके सामने रखी। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रधान पाठक राम कुमार वर्मा भिलाई 3 के मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित दुर्ग संभाग व संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक साथ शिक्षकों के सम्मान प्रारंभ करने को प्रशंसनीय बताया। साथ ही सभी संप्रदाय के शिक्षकों को सम्मान को सांप्रदायिक एकता की पहल बताया। हाजी हाफिज गुलाम नबी रायन कुम्हारी ने अपने शिक्षकीय अनुभव को यहाँ पर साझा किया और शिक्षक बच्चों को सदैव आगे बढ़ने के लिए त्याग करते हैं ऐसी बातें कही। शिक्षक सम्मान समारोह को संयोजित करने में हाजी डॉक्टर मोहम्मद साजिद अहमद, जिला संरक्षक दुर्ग हाजी जाहिद, संभाग अध्यक्ष दुर्ग सईद भाई, जिला अध्यक्ष शरीफ भाई, संभाग संरक्षक के द्वारा किया गया। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना सभी ने खुले दिल से की। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।